दोस्तों, इंडोनेशिया के सूबे बाली को ये एहसास जाता है कि ये इस वक्त दुनिया भर में सयाहों की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह समझा जाता है। इंडोनेशिया में एक जजीरे पे मौजूद ये सूबा अपने कुदरती हुसन, यहाँ पर मौजूद लोगों के हुस्नो सलूक और सस्ते होने की वजह से मगरबी ममालिक से आने वाले सयाहों में काफी मकबूल हो गया है। बहुत से गोरे तो अपने मुल्क को छोड़कर यहाँ आबाद होते जा रहे हैं। इन लोगों को डिजिटल नोमेड्स का नाम दिया गया है, यानी कि डिजिटल दुनिया के खानाबदोश अफराद। ये वो लोग हैं जो दुनिया में कहीं भी बैठकर अपने लैपटॉप से अपना काम करके पैसे कमा लेते हैं। बाली को यह एहसास भी जाता है कि साल 2019 में 70 लाख से ज्यादा सयाहों ने बाली का रुख किया, जो कि बहुत से मगरबी ममालिक से कहीं ज्यादा है। बाली की आबादी का 88% हिस्सा टूरिज्म यानी कि सियाहत से मुंसलिक है। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपके लिए इंडोनेशिया में मौजूद दुनिया के मशहूर सियाहती इलाके बाली के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक लेकर आए हैं। और अगर आपको टॉक शॉक की ये फैक्ट से भरपूर वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों, बाली पूरी दुनिया में सैर और सियाहत के लिए इस कदर मशहूर है कि ज्यादातर लोग बाली को एक अलग मुल्क समझते हैं। हालांकि ये दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला सूबा है। साल 2020 में जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक बाली की कुल आबादी 43,17,404 नफूस पर मुश्तमिल है। इसमें से 86.9% अफराद का ताल्लुक हिंदू मजहब से है, जबकि यहाँ पर 10% मुसलमान भी मौजूद है। 2.35% क्रिश्चियंस मौजूद है, जबकि 0.68% बुद्ध मत के मानने वाले भी मौजूद हैं। 0.01% में बाकी तमाम मजाहिब आ जाते हैं। अगर बाली के रहने वालों की कौमी जुबान की बात की जाए तो वो इंडोनेशियन है, जबकि यहाँ दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान बालिनीज है और फिर इंग्लिश आती है। अगर बाली के कुल रकबे की बात की जाए तो ये 5,780 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। अगर बाली के लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात जाए तो ये $13,540 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 23 लाख रुपए बन जाते हैं। बाली में टूरिज्म किस कदर बड़ी इंडस्ट्री है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लें कि बाली का एक साल का GDP $58.39 बिलियन है, जबकि हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान का सालाना GDP $296 बिलियन है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों, बाली को जितनी अहमियत सियाहती एतबार से हासिल है, इतनी ही तारीखी एतबार से भी। यहाँ से मिलने वाले इंसानी जिंदगी के सबसे पुराने आसार ये बताते हैं कि यहाँ पर इंसान सन 2000 कबले मसीह में भी आबाद थे। ये लोग ताइवान से यहाँ हिजरत करके आए थे। आज से हजारों साल पहले यहाँ पर 9 मुख्तलिफ हिंदू कबीले आबाद थे और हर कबीले का अपना अलग भगवान हुआ करता था, जिसकी यहाँ पर पूजा होती थी। लफ्ज बाली तारीख में सबसे पहले सन 1 सदी ईस्वी में पढ़ने को मिलता है, जब हिंदू मजहब से जुड़ी कुछ किताबों में इसे बाली दिपवा के नाम से लिखा गया, जिसका मतलब था बाली आईलैंड। 1343 में बाली का जजीरा एक हिंदू खानदान मजापाहत एम्पायर का हिस्सा बन चुका था, जिसका खात्मा 1520 में आकर हुआ। यूरोप वालों से बाली का पहला कनेक्शन हमें 1512 में मिलता है, जब पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाला एक मुहिम जो फ्रांसिस्को सेराओ बाली तक अपने बहरी जहाज में पहुंचा। 1597 में नीदरलैंड वाले भी यहां पर पहुंच गए और सन 1602 में उन्होंने तिजारत की गर्ज से अपने असर और रसूख को बढ़ाते हुए यहां पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी। 1840 में इन डच गोरों ने बाली पर कब्जा करना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्रिटिश ने बर्रे सगीर में पहले तिजारत की गर्ज से एंट्री की और फिर जबरदस्ती कब्जा करते गए। अगले 100 सालों तक बाली के लोगों ने अपनी आजादी के लिए मुजाहिमत की और आखिरकार दिसंबर 1939 में घोरों को घुटने टेकने पड़े। दोस्तों, आपको ये जानकर भी एक खुशगवार हैरत होगी कि बाली के लोग अपना आजादी का दिन भी 14 अगस्त को मनाते हैं। इन्हें 14 अगस्त 1958 को आजादी हासिल हुई और इन लोगों ने एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर इंडोनेशिया से इल्हाक किया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, जहां हमारे मुल्क पाकिस्तान में 4 मुख्तलिफ मौसम होते हैं, वहीं बाली में सिर्फ 2 मुख्तलिफ मौसम होते हैं। यहाँ पर पहला ड्राई सीजन होता है, बिल्कुल खुश्की का, जो कि अप्रैल से अक्टूबर तक चलता है, और उसके बाद वेट सीजन आता है यानी कि बारिशों का, जो कि अक्टूबर से वापस अप्रैल तक चलता है। ये एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का इलाका है, जहाँ सारा साल दर्जा हरारत एक जितना रहता है। बाली के बारे में शायद सबसे हैरान कन बात यह है कि यहाँ के आबाई लोग अपने यहाँ होने वाले बच्चों के सिर्फ 4 नाम ही रखते हैं। इनमें वायन, मेद, नोमन और कुतुब शामिल है। अगर आगे से 5वां बच्चा हो जाए तो फिर से पहले नाम से रिपीट शुरू हो जाता है। ये लोग बच्चा पैदा होने के 3 माह तक इसे जमीन पर नहीं रखते और इसे बदशगुन समझा जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, वैसे तो बाली को दुनिया में इसके साफ नीले पानी और सफेद रेत के बीचेस की वजह से जाना जाता है, मगर यहाँ आपको काली रेत के बीच भी मिलेंगे। बाली में काफी ज्यादा आतिशफिशा पहाड़ मौजूद है और इनकी राख से समुन्द्र के किनारे मौजूद ये बीचेस काले रंग के हैं। यहाँ 6 मुख्तलिफ ब्लैक सैंड बीचेस यानी कि काली रेत के बीच मौजूद हैं।
सफेद रेत के मुकाबले में ये काली रेत ज्यादा गर्म भी होती है। भोली में मौजूद दो सबसे बड़े आतिशविशा माउंट अग्नक और माउंट बतुर हैं और ये दोनों आज भी प्रॉपरली एक्टिव हैं। माउंट अग्नक को सबसे ज्यादा खौफनाक माना जाता है और इसने आखिरी बार नवंबर 2018 में लावा उगला था। आज भी ये आतिशविशा पहाड़ हर कुछ अरसे बाद थोड़ा सा जमीन को हिलाते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। इन पहाड़ों के करीब जमीन गर्म होती है और बाली में आपको कुदरती तौर पर बने हुए गर्म पानी के तालाब भी मिलेंगे जिन्हें नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स कहा जाता है। इन तालाबों का पानी गर्म होता है और तरह तरह के विटामिन और नबातात से भरपूर होता है। यही वो चीज है जो कि दुनिया भर से गोरों को यहाँ खींच लाती है। ये गोरे अपने ट्रैफिक और शोर शराबे से भरपूर शहरों से तंग होते हैं और फिर छोटे छोटे कपड़े पहनकर इन गर्म हमामों में बैठकर चिल करते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों बाली को एक एहसास ये भी जाता है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी भी बाली में पाई जाती है। इस कॉफी को बनाने में यहाँ पाई जाने वाली एक खास किस्म की बिल्ली सीवेट एक खास अहम किरदार अदा करती है। कहानी कुछ ऐसे है कि ये बिल्ली जजीरे पर मौजूद कॉफी के पौधे को खा लेती है तो इसके बीज ये साबुत हजम कर लेती है। ये बीज बिल्ली के जिस्म से होते हुए गुजरते हैं तो इनकी केमिकल कंपोजिशन काफी बदल जाती है। बिल्ली की पॉटी में से ये बीज वापस निकाल कर इनकी कॉफी बनाई जाती है जिसका एक कप $50 यानी कि पाकिस्तानी 8,000 रुपए से भी ज्यादा का मिलता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों बाली के ये टेढ़े मेढ़े लोग मगरिब से आने वाले गोरों से हर साल कई बिलियन डॉलर्स कमा लेते हैं। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि गोरों को कैसे खुश रखना है और कैसे एंटरटेन करना है। क्योंकि गोरे स्पा लेने के शौकीन होते हैं इसलिए बाली में तरह तरह के स्पा भी मौजूद हैं। इसमें बाली का फ्लावर बाथ स्पा सबसे ज्यादा मशहूर है जिसमें आपका बाथ टब या फिर स्विमिंग पूल पूरे का पूरा तरह तरह के फूलों से भर दिया जाता है। इसके अलावा हॉट स्टोन थेरेपी जिसमें आतिशफिशा से मिलने वाले ये गर्म गर्म पत्थर आपकी कमर पर रख कर आपको स्पा दिया जाता है। इसी तरह के और भी बहुत से स्पा शामिल हैं जिनसे गोरे ऐसे मस्त हो जाते हैं कि वापस अपना मुल्क जाना ही भूल जाते हैं। बाली की खासियत ये भी है कि यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा स्पा ट्रीटमेंट भी मिलेगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों बाली में हर साल तरह तरह के मुख्तलिफ मेले और फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। बुद्ध मत के पैरोकारों ने बाली के रहने वालों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। बाली एक छोटा सा जजीरा है मगर यहाँ पर 20,000 से ज्यादा मुख्तलिफ मंदिर मौजूद हैं। हर साल जनवरी में यहाँ पर चाइनीज न्यू ईयर मनाया जाता है जिसमें इन तमाम मंदिरों में लाखों दिए और कुमकुमें लगाकर इन्हें रोशन कर दिया जाता है। इसके अलावा सड़क पर एक स्पेशल परेड भी होती है जिसमें शेर और ड्रैगन का लिबास पहनकर एक स्पेशल डांस किया जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ हर साल बसंत का त्यौहार एक दौर में मनाया जाता था इसी तरह यहाँ भी बाली काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल साहिले समंदर पर मनाया जाता है और यहाँ मुख्तलिफ शक्लों की पतंगे उड़ाई जाती हैं। इनमें कुछ पतंगे तो बहुत बड़ी दियो हैकल साइज की होती हैं। ये भी एक जबरदस्त और खूबसूरत नजारा होता है। दोस्तों क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा से बसंत मनाना स्टार्ट कर देना चाहिए? कमेंट में यस या नो लिखकर अपनी राय से आगाह जरूर करें। बाली का सबसे जबरदस्त फेस्टिवल नाइपी ईव है जिसका मतलब है द डे ऑफ साइलेंस यानी कि खामोशी का दिन। जैसे आजकल हर मुल्क में ही गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन लगाया जा रहा है वैसे ही बाली में हर साल 6 दिनों के लिए ये खास फेस्टिवल मनाया जाता है। इन 6 दिनों के लिए हर तरह की दुकानें और ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाती है। आप ज्यादा ऊंची आवाज में घर में टीवी भी नहीं लगा सकते और रात होने पर घर में ज्यादा तेज लाइटिंग भी नहीं की जा सकती। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग बाली का हर साल रुख करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया बाली से चंद घंटे की मुसाफत पर मौजूद है। अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों को छुट्टियां मनाना बहुत महंगा पड़ता है और बाली में सस्ता। ऑस्ट्रेलिया के लोग साहिल समंदर पर सर्फिंग का भी शौक रखते हैं और इस काम के लिए भी बाली बिल्कुल मौजूद है। इन लोगों को बाली ऐसा भाग गया है कि बहुत से गोरे अब ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाली को अपना घर बना रहे हैं। दोस्तों बाली वाकई में ही बहुत जबरदस्त है मगर क्या आपने पाकिस्तान में मौजूद हुंजा के करीब हूपर वैली देखी है? अगर दूसरे ममालिक से आने वाले लोग पाकिस्तान में खुद को महफूज समझेंगे तो इस तरह हमारी टूरिज्म से भी साल का कई बिलियन डॉलर्स पैदा हो सकता है। पाकिस्तान में ऐसी भी बहुत सी खूबसूरत जगह मौजूद हैं जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हैं। उम्मीद है कि आने वाले सालों में हमारे पहाड़ी इलाके भी दुनिया भर के सैयाहों की लिस्ट में टॉप पर होंगे। टॉक शॉक चैनल की आज की काविश पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक का चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।